भैया देखो यहाँ पे जिम वाली आइसक्रीम भी है। नहीं भाग रही गाड़ी। नहीं। टेस्ला वाला हमारे साथ रेस कर रहा है। यहाँ पे F1 की गाड़ी है, बहुत तेज आती है और F1 की हम लोग वहाँ जा रहे हैं नॉर्दर्न लाइट्स ऐसे कर। तो अब मैं सच बोल रही हूँ तो ये स्मित रहेंगे तो सदा स्वागन रहेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग एंड हेलो कैंट चैनल, दिस इज योर तुषार जा। तो भाई दिस इज योर बॉय तुषार जा। लोग बोलते भाई आपकी इंट्रो में है क्या, तो भाई अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज तुषार बरेजा। पहले मैं दिस इज योर बॉय बोलता था भाई, तो आप घर वालों का लड़का हूँ भाई, और तो हाँ दिस इज तुषार बरेजा, ये है मेरा पूरा इंटरव्यू। ठीक है, काफी सारे लोग मिस प्रोनाउंस ये समझ नहीं आती, बहुत तेज बोलते हो तुषार भाई, अब भाई है तो है ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, बहुत पहले इंटरव्यू बनाया था, वैसे मतलब पारिवारिक है ये, तो मैं हर जगह जाकर दिस इज योर तुषार नहीं मजाक कर रहा हूँ। वी हैव वानी। आज की इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं भाई सिटी, थोड़ा बहुत काम है। ठीक है, आप लोग सिटी घुमाते हैं। क्या लवानी, व्हाट्स हैपनिंग, गिरने वाली है, क्या चल रहा है? यूनी, जिंदगी सही है? यूनी, जॉब, हाँ, प्लानिंग फॉर आवर ट्रिप, और प्लानिंग, हाँ प्लानिंग भी चल रही है और पैकिंग, किस चीज की प्लानिंग? प्लानिंग, पैकिंग एंड शॉपिंग फॉर आवर, हाँ। और भाई हमारे जो नेक्स्ट ट्रिप है वो ट्यूसडे से स्टार्ट हो रही है, आज क्या हो गया, आज थर्सडे हो गया, करीबन हमारे पास 4-5 दिन है, है ना, पैकिंग वगैरह करनी है। और भाई और क्या कर रहा था मैं, और नोनो भी यूनिवर्सिटी गया हुआ है। ठीक है, बाइक की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। अरे तो, उसका ना मैं ये तो बताओ ना कि उसकी 12:30 वो थी क्लास खत्म, और फिर मैंने फोन किया कि घर आ, तो कह रहा नहीं अभी मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, तो मैंने बोला तेरी तो अब नेक्स्ट क्लास 3:30 तू तो तब तक क्या करेगा, बोलता कि वो घूम लूंगा कैंपस में। नहीं भाई, नोनो भी मस्ती मार रहा था। स्टार्टिंग में उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रखी थी, बहुत ज्यादा अपसेट था कि मैं कहाँ आ गया। हर स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मैं कहाँ पे आ गया, बिल्कुल अकेला अकेला फील होता है, बट हमने उसका दबदबा बना के रखा। ठीक है, कोई की बात नहीं है, मस्त घूम रहा अपना, आ जाएगा शाम तक। अभी हम लोग निकलते हैं, और भाई फिर से कोई गांजा फूंक रहा है। हाँ, मैं तब से बोल रही हूँ, डॉगी हमको देख रहा है, हमको डॉगी, वो डॉगी वो दूर आपको डॉगी दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखाऊंगा, वो हमको देख रहा है, छोटा सा प्यारा सा, देख रहा है। तो मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरे को डॉगी गिफ्ट करो यार। वानी बोल रही बर्थडे में मेरे को डॉगी गिफ्ट करो, तो भाई आप बताओ डॉग लेना चाहिए कि नहीं, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, थोड़ा सा महंगा हिसाब होता है यहाँ पे डॉगी का, जेब फटी हुई है वैसी मेरी, फीस भर दी मैंने आज। ठीक है, लेना चाहिए कि नहीं कमेंट सेक्शन में बताओ। और ये भी बताओ, और ये भी बताओ कि क्या कि हम लोग कौन सी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन ट्रैवल कर रहे हैं। धीरे धीरे हिंट देता हूँ, अभी चलते हैं आगे, थोड़ा नहीं कर पाएंगे, गेस नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी है हम लोग की भाई, तो अरे भाई। नहीं, पर ये थोड़ी अलग है ना, मतलब ये थोड़ी अलग है। हाँ, ये तो ये इजी गेस नहीं हो सकता, इजी गेस तो नहीं है ये, कोई ऐसे कोई 100 में से कोई एक बंदा बोल देना, ऐसे रैंडम गेस तो हो सकता है। चलो आगे जाके धीरे धीरे करके हिंट देते रहते, अभी निकलते बेटा, लेट हो रहे हैं। हिंट क्या दोगे? देता हूँ चलो चलो, ये मैं बता दो, पानी में जा रहे हैं हम, पानी में। व्हाट डू यू मीन गोइंग इन सबमरीन, मतलब पानी तो हर जगह भाई, पूरे वर्ल्ड में कितना 90% पानी है, 10% लैंड है, क्या बोल रही हूँ? नहीं, जहाँ पे स्नो है वहाँ जा रहे हैं हम। ये ज्यादा खराब कर रही है, धीरे धीरे दबदबा। अब मैं सच बोल रही हूँ तो ये इसलिए। नहीं नहीं, चलो 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 है ना, स्नो में जा रहे हैं हम, बता दो ना। हाँ, स्नो में जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ पे गर्मी से पक गए हैं, तो अब हमको स्नो में जाना। वाह, चलो बेटा। और भाई कल ना हम लोगों ने रात को गार्लिक ब्रेड बनाई थी, तो हमने अवन में बनाई थी, इससे बाहर निकाली, इसके अंदर से ना बक्का निकला बिल्कुल, ठीक है, धुएं का। और ये भाई साहब मानी आ गई, और ये भाई साहब फायर अलार्म बज गया यार, मेरे को वो नहीं मिल रहा। क्या क्या नहीं मिल रहा भाई? फायर अलार्म बज गया था, हमारी फटकी थी मेरी और नोनो की, मैं चेयर लगाई, फायर अलार्म पुश किया, बंद किया, और भाई जब हम लोग पराठे वगैरह बनाते ना तो भी ये बज जाता है, तो चलो जब बजेगा नेक्स्ट टाइम फिर दिखाएंगे, कोशिश करेंगे ना बजे, क्योंकि बज जाता है तो। चलो नीचे जाके बताता हूँ, लेट्स गो मनी मेट। भैया देखो सिटी में कितना ट्रैफिक है, 1.5 किलोमीटर के 20 मिनट। यूजुअली जब हम लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं ना, तो 20 किलोमीटर के 20 मिनट डिपेंड करता है आप लोग बेसिकली कहाँ जा रहे हो, बट अभी हम लोग सिटी में, सिटी में इतना ट्रैफिक है भैया, अच्छे ज्यादा पुलिस आ गई, पुलिस नहीं फायर ब्रिगेड आ रही है। तो ये जो पहली हिंट है वो है कि वो जगह मतलब स्नो में है। अरे स्नो नहीं है, क्यों यार क्यों झूठ बोल रहे हो? वो जगह ना बिल्कुल ऐसे, कैसे बताऊं मैं, ठंड हो रही है वहाँ पे, गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, वानी ज्यादा उल्टा बोल रही है, वहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है और वहाँ पे बारिशें होती हैं। कर लो इसको बिलीव, बाद में मेरी साइड लोग दूसरी हिंट जाके देते हैं। अभी अभी थोड़ा सा काम। ओ वो देखो लोटस बोरी, अरे ट्रैम आ गई यार, व्यू खराब कर दिया, वो देखो बोरी लोटस छोटी सी, वेरी नाइस, नहीं है पता नहीं कितने की है, अभी तो हमारी औकात से बाहर है। बताओ स्नो में जा रहे हैं? अरे स्नो में नहीं जा रहे, कौन सी स्नो नहीं बताना, अच्छा ठीक है। अरे यार गाइस हम युगांडा जा रहे हैं, नहीं बता रहे, चलो स्नो में जा रहे हैं, तेज बोलो, बता दो स्नो में जा रहे हैं, स्नो में नहीं जा रहे हम, नहीं बताना तो मेरे को, वैसे बोल दो मैं, ठीक है भाई, हाँ गर्मी में जा रहे हैं जो
तुषार बोल रहा है मान लो, बाद में मेरे को सपोर्ट करोगे, ठीक है चलो। सब्सक्राइबर कहेंगे तंग कर रहा है, बताना बताओ नहीं बताना मत बताओ भाई। नहीं पर भाई वो ऐसी जगह है जहाँ पे, वो ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत कम क्रिएटर्स गए हैं। हाँ कोई भी नहीं गया, तो सोचो हम कहाँ जा रहे हैं। नई जगह आइसलैंड, हम लोग वहाँ जा रहे हैं नॉर्दर्न लाइट्स ऐसे कर। कहाँ जा रहे हैं बेटा? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जा रहे हैं गाइस, अभी तो युगांडा जा रहे थे, चलो अभी चलते काम निपटा के आते हैं। तो भैया सिटी बहुत ज्यादा बिजी है क्योंकि एड शीरन भाई आ रखा है मेलबर्न के अंदर और आज कॉन्सर्ट है, हमको पता ही नहीं था। पोस्ट मलोन देख के आए थे बस। देखो भाई कितनी भीड़ है, सारे चढ़ रहे हैं, पूरी ट्रैम भरी हुई है भाई, लिटरली एड शीरन आ रहा है पूरा कॉन्सर्ट। मैंने सुना सबसे ज्यादा लोग इसके कॉन्सर्ट में रहेंगे एड शीरन का। क्या गया एलवी का नया बैग? क्या ना तेरे जा रही है बेटा? नहीं भीड़ के बारे में बात कर रहे हैं हम, गिफ्ट के बारे में नहीं। नहीं नहीं भैया अभी हम लोग हैं अल्बर्ट पार्क में, ठीक है। यहाँ पे F1 की रेस होती है, आप सामने देखो, दिखावानी ये सामने देखो आप लोग, ये सारा बैरियर लगा हुआ है, यहाँ पे रेस होती है F1 की, ठीक है। पूरा वो देखो लिखा हुआ है टाइमिंग वगैरह, लेक साइड ड्राइव क्लोजर कब से 27 फरवरी से 24 मार्च। तो भाई यहाँ पर अभी तो 40 ईयर जोन है, पर यहाँ पे F1 की गाड़ियां बहुत तेज आती है और F1 की रेस हो रही है, और हम माना जाए ऐसे हो सकता है F1 की रेस भी हम लोग देखने जाएंगे। तो पूरा अल्बर्ट पार्क कह रही है बहुत ब्यूटीफुल है, मेलबर्न के अंदर रेस होने वाली है। मैं इतना बड़ा F1 का मतलब शौकीन नहीं हूँ, बट हम भी बना लेंगे, मतलब हम शौक रख लेंगे। ज्यादा शार्क टैंक देख देख के ऐसा हो रहा है, बहुत ज्यादा सुंदर एरिया देखो, यहाँ पे पूरी इसमें रेस होगी और यहाँ पे अभी लोग भाग रहे हैं। ये सारा कुछ भाई 24 फरवरी तो चला गया वानी, पता नहीं मतलब कोई उसमें जो डेट लिखी थी उसमें पूरा बंद रहेगा एरिया, तो यहाँ पे हम लोग गाड़ी लेके नहीं जा सकते, पूरा चकाचक कर देंगे इनको। यहाँ पे सीट वीट लगेगी मस्त, आगे ग्रैंड स्टैंड भी दिखेंगे हम लोगों को, तो अभी जब हमको दिखेंगे तो आपको दिखाएंगे। देखो यहाँ पे ये व्हाइट वाला लगा हुआ है ग्रैंड स्टैंड, मतलब ये छोटा है, ज्यादा ग्रैंड नहीं है। मेरे को लगा ऑटो कब से चलने लग गए, बाइक थी ये। वो जा भाई ग्रीन लाइट एजेंसी, टेस्ला वाला हमारे साथ रेस कर रहा है। चाचा तुम जीत जाओगे? नहीं ना, टेस्ला जीतेंगे नहीं। अरे पगलों को नहीं भगा पाएगा, बंदे पे डिपेंड होता है यार। पागल भाग, अरे नहीं भाग रही यार, अरे नहीं भाग यार, तुम भगा ही नहीं रहे। मेरा 70 का जोन है, फोटो खींच जाएगी, हम रेस नहीं करते। गाड़ी 69 पे चल रही है पूरे, वो भी तो है भाई। वो यार वो टेस्ला है, वो तो भागती है यार। अरे वो सामने देखो तो टेस्ला, भाई मैं गाड़ी में थोड़ी ठोक के मारूंगा तो यार। तो वो सामने टेस्ला जा रही है, वो जीत गई। नहीं जीती वो, तुमने जीत गई। टेस्ला के साथ नहीं कर सकते हम रेस, बेट हमेशा आदमी के ऊपर लगती है। हाँ ठीक है, पोकर खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, हम सीधा आदमी के ऊपर खेलते हैं। वो क्या है तो, मतलब वो पागल है या वो भाई खेलने वाला है ढंग से खेलेगा, उसके ऊपर बेट लगती है। समझ आ गई? कभी ये नहीं लगती है ऐसे भाई। टेस्ला 0-100 3 सेकंड्स है, मेरी वाली है 5 सेकंड्स। भाई वो लेके ही नहीं गया, वो लेके ही नहीं गया। 70 का जोन है भाई, चला सकते 0-70 तक तो हम भगा सकते हैं, उसके ऊपर फोटो खींच जाएगी। कैमरे बड़े बड़े सारे इस वाली रोड पे, बट कोई बात नहीं, अब हमारी ईगो हट हो गई वानी। कोई बात नहीं, ठंड रख लो वानी भाई, पूरी कारगल बन चुकी है, इसको पता है कौन सी गाड़ी V8 है कौन सी V10 है। तो भाई अपनी गाड़ी छोटी सी और भागती बड़ी तेज है, पर भाई अभी हम लोग टेस्ला के साथ, जहाँ पे मेरे को पता ना मैं हार जाऊंगा वहाँ पे मैं रेस ही नहीं करता, सीधी बात। पहली हार, उसमें क्या है, मैं इंजन थोड़ी निकाल के बाहर फेंक दूंगा। तो भाई ट्राई करो, क्या पता उसके आगे गाड़ी आ जाती, कुछ स्लो हो जाता, तुम्हारे आगे नहीं होती, तुम मुड़ा के ले जाते। अरे भाई ऐसे भी उड़ाना ही तो नहीं है, प्यार से चलाने वाली बेटा। जीवित रहेंगे तो सदा सुहागन रहेंगे, ठीक है। बोलिए ना, जट इज हॉट वानी के लिए, ठंडी लग रही भाई, हॉट बंदे हैं हम, ठंड क्यों लगेगी। अभी हम लोग आए हैं, ठीक है, मोमोज लेने के लिए, वानी की फेवरेट है ना। मोमोज उठाएंगे, बड़े दिन हो गए, क्रेविंग हो रही थी यार, चिकन स्टीम मोमोज घर ले जाके खाएंगे मस्त। 5 प्लेट लिए भाई, हम 3 लोग हैं, 5 प्लेट पे लेंगे दबा के, मजा आ जाएगा। वानी दरवाजों में टक्करें खाती रहती है भाई, ये ले लिए 5 प्लेट, मस्त जाके पे लेंगे भाई, कितना मजा आएगा, मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ मोमोज खाने के लिए। गुड़गांव में भाई 9th क्लास में मैं डेली पेला करता था, 9th-10th में, फिर ज्यादा रेड वाली चटनी खाने से मेरे को टॉन्सिल हो गए थे, ज्यादा चटनी खाने की वजह से मेरे को टॉन्सिल हो गए थे। तो वो वाली चटनी पूरे मेलबर्न में मेरे को सिर्फ यहीं मिलती है, तो मैं थोड़ी थोड़ी खा लेता हूँ, ज्यादा नहीं, बट अब शौक है, शौक तो नहीं मार सकते है ना भाई बेटा। दिखाना चटनी कैसे होती है इसकी, चटनी दिखाओ। तो भाई ये होती है इसकी चटनी, मस्त इंडिया वाली घर में बनती है ये, पता है क्या, सूखी हरी मिर्च लाओ इंडियन शॉप से, मैंने देखी थी ये कैसे करती है। सूखी हरी मिर्च आती है, उसको वही मिक्सी में डाल दो, ये 2 चम्मच पानी के साथ, वो है ये। तो भाई ये मेरे को तो नहीं पता, मैं तो कहीं से मिर्च नहीं लेके आ रहा, मैं यही खाऊंगा भाई। पानी से रहा नहीं जा रहा, इसने अभी खोल लिया भाई, ये पूरा रस भाई, 5 प्लेट मत खा लेना, मेरे को भी खाने कर दो आगे। ये देखो रुका नहीं जा रहा, कैसे खा रही है पानी, मिंड के आगे गर्म करके, मतलब देखो यार यहाँ इसने मिर्ची रखी हुई है, वेरी नाइस, आंसू आ रहे हैं पर खाना है।
तो भाई फाइनली मोमोज हम लोग यहाँ पे खोल रहे हैं। हमने दो प्लेट खा ली, हमने दो प्लेट खा भी ली और हमने नोनू को बोला खाली बैठ रही हो। नोनू यूनिक कैसी थी बेटा? बढ़िया। कितने कितने घंटे की क्लास हो रही है? दो घंटे की। अरे टोटल पूरे दिन की 6-6 घंटे की। हाँ। मंडे को 8 घंटे की क्लास। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा ना वीडियो? मजा आया ना? मोमोज खा के देखे अभी तक? अब नोनू के साथ वीडियो बनाएंगे अलग से। शर्मा क्यों रहा है? गरम है। वेरी नाइस। अरे और लगाना था? नहीं पागल है क्या? मुझे जाएगा। अच्छा है ना? बहुत बढ़िया है। वेरी नाइस। नॉन स्पॉन्सर्ड बट वेरी गुड मोमोज। तो भाई फाइनली मोमोज वगैरह खा के बहुत ज्यादा मजा आ गया। अब ना ओरियो शेक की बड़ी क्रेविंग हो रही है। पिए ले आऊं सामान? है मिर्चे लग रही है। तो ओरियो शेक का सामान लेने जा रहे हैं अभी। तो वार्निंग, घर पे बैठना। चलो बैठ जाओ घर पे। मैं और नोनू थोड़ा जेंट्स टाइम बिता के आए। तो भाई अपने को ये लेने हैं, दो पैकेट ले लें, दो चार ले लें, खाए जाते हैं, चाय के साथ पी लेंगे, कोई नहीं। चल कैलोरी बहुत होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई ये देखो यहाँ पे जिम वाली आइसक्रीम भी है, इसके अंदर 21 ग्राम प्रोटीन है और 500 कैलोरी है पूरी। नोनू कह रहे ये वाली ले ले, नो शुगर एडेड। मैंने उसको बोला हम लोग पूरे पैसे दे रहे हैं भाई, पूरे पैसे दे रहे हैं तो हम फिर शुगर भी लेंगे। सीख रहा देख लो आंटी नोनू आ गए इसको। सारी सामग्री इसके अंदर चली गई है। तो गंद बहुत ये लो वानी बेटा, सिप लेके बताओ कैसे? यम्मी है पर बहुत ठंडा है। ठंडा है और मेरे लिए बहुत वो है। क्या? गाढ़ा। कुछ एक्सप्रेशन तो बनाओ। वाओ बहुत वाओ है पर बहुत गाढ़ा है, मेरे को वो चाहिए। कोई नहीं फेंक दो। चलो नोनू हियर यू गो मेट। यू पी के सही है? थिक शेक है? कैसा है? मैंने भी नहीं पिया अभी तक। ठंडा है? बहुत ज्यादा ठंडा है, दांत में लग रहा है मेरा। सेंसिटिविटी हो रही है ना? कोई नहीं पर बढ़िया है, टेस्टी, वेरी नाइस। यू कैन गिव मी 10 out of 10। लिख दो सारे कमेंट सेक्शन में। वानी मेरे से भी स्कोर पूछ लो, क्या स्कोर है? 10 में से 100। 10 में से 100। और ये देखिए हम खेल रही है। तो भाई मस्त हम लोगों ने शेक वगैरह पी लिया। अगर आप लोग वीडियो इतनी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको लूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और भाई नॉर्मल डेली सा ब्लॉग था, बताओ कमेंट करके कैसा लगा। तो हाँ, लव फ्रॉम मेलबर्न बॉयफ्रेंड यार। थोड़ा और भी बोल दे, क्या हो गया? शर्मा क्यों रहे वैसे? इतनी बकबक करते, क्या हो गया?